तो आज अभी यहाँ पर से मैं चेकआउट करने वाला हूँ कपाडोकिया मेरा होटल से। तो अभी मैं जाऊँगा रेड टूर में। तो रेड टूर करने के बाद मैं सामान रिसेप्शन में रख दूँगा, और रेड टूर करने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो सामान लेके फिर मेरा बस जो है डेनिजली के लिए जो 8 बजे छूटेगा उस बस को पकड़ूँगा और फिर डेनिजली चला जाऊँगा। आ चुके हैं हमारे पहले पॉइंट पे, तो दैट इज ऊंची शार। तो ऊंची शार रेड टूर का पहला पॉइंट है, तो वी आर गोइंग टू विजिट दैट। सो बिहाइंड मी इज उचीसार कैसल। ये बहुत पुराना कैसल है, और ये जो रॉक फॉर्मेशन है ये वॉल्केनिक इरप्शन से क्रिएट हुआ है, और इसके अंदर जो आप गुफा देख रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली मैन मेड। तो ये उचीसार कैसल है, ये इस कपाडोकिया एरिया का सबसे ऊंचा कैसल है। तो उचीसार कैसल के सामने एक छोटा सा ऐसे जगह बना हुआ है जहाँ पर एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट है और एक दो सुविनियर शॉप्स है। तो लोग जो इधर उचीसार कैसल देखने के लिए आए हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा घूम फिर के फिर चाय कॉफ़ी पी के फिर अपने गाड़ी में उठ सके, इसलिए। तो चलिए थोड़ा सा घूम लेते हैं। मैं हूँ गोरेबी ओपन एयर म्यूजियम के एंट्रेंस में। गिरीश गिरीश मतलब होता है एंट्रेंस, तो ये टर्किश भाषा है। ओके, तो मैं एंटर हो गया गोरेबी ओपन एयर म्यूजियम में। तो अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सो आई कैन नॉट शो यू इनसाइड। मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता। और ये चर्च है, चर्च का नाम है एप्पल चर्च। तो एप्पल चर्च के अंदर के दीवार में बहुत सारा पेंटिंग्स है जो कि बहुत पहले 3rd to 8th century में बनाए गए थे, और दिस पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू जेसस क्रूसीफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अभी इरोशन के वजह से बहुत सारा कुछ नष्ट हो चुका है। तो ये रॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ जो रॉक्स है काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। सो हवा के वजह से, पानी के वजह से, या फिर किसी भी तरह से इसका कंटिन्यूस इरोशन होता रहता है। गोरेमी ओपन एयर म्यूज़ियम जो है ये बेसिकली पहले एक चर्च हुआ करता था। चर्च, सिर्फ चर्च नहीं, इसके अंदर चर्च, चैपल, मॉनेस्ट्री सब कुछ था। और दिस बिलोंग्स टू द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी। सो एक टाइम पे ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा चर्च और मॉनेस्ट्री हुआ करता था।
चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। सो 1985 में ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बाद यहाँ पर रेगुलरली ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और जो रॉक्स लगता है कि डेंजरस है उसको फिर ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो मेरे सामने आप रॉक्स में दो तरह का कलर देख सकते हैं। तो जो सफ़ेद रंग का कलर है दैट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टेड एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यू कैन सी, ये देखिए जो सामने आपको दिख रहा है रॉक, उसके नीचे की तरफ कुछ पोर्शन सफ़ेद रंग का है, सो दैट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टेड। तो हमारे ग्रुप को हमारे गाइड ने 40 मिनट का टाइम दिया था और बोला गया था कि 40 मिनट आप घूम के देख लो, और 40 मिनट बाद ये सामने वाला जो एरिया है ये स्पॉट दिखाया गया था और यहाँ पर आके आपको वेट करना पड़ेगा। तो 40 मिनट ख़त्म हो चुका है, तो मैं उसी एरिया में आ चुका हूँ और अभी थोड़ी देर में मेरा गाइड भी आ जाएगा और हम लोग फिर अपना नेक्स्ट स्पॉट में या नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलेंगे। तो अभी मैं हूँ लव वैली में। तो इस वैली को लव वैली क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर फेरी चिमनीज दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारा फेरी चिमनीज है जो के दिखने में कैसा है थोड़ा सा बताइए। ये ह्यूमन कोई ऑर्गेन के जैसा दिखाई दे रहा है, तो कौन सी ऑर्गेन आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसीलिए इस वैली को लव वैली कहा जाता है। और हमारे जो गाइड साहब है वो पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे पहले, क्योंकि हमारे गाड़ी में बहुत सारी लड़कियां थी साथ में, तो वो बाद में आके हम लड़कों को बताए। गाइज मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ कि इसका लव वैली होने का कारण कुछ और है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो लड़कियों के लिए था और एक्चुअल में ये है इसका कारण। हम लोग अभी लंच के लिए आ चुके हैं, तो हमारा रेस्टोरेंट है सामने, तो वहाँ पर हम लोगों के लिए टेबल बुक है और वहाँ जाके बफे लंच है, तो वहाँ लंच करेंगे। और ये हमारा गाइड है। Hi everyone. Hi from Cappadocia. Yes. And hi to all Indian viewers. तो मेरा लंच हो चुका है और अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, अभी गाड़ी में चलेंगे और फिर से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो मैं हूँ कप्पाडोकिया में 3 दिन से, आज मेरा 3rd डे है, लास्ट डे है। तो कप्पाडोकिया का मतलब क्या है आपको पता है? कप्पाडोकिया का मतलब है लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एक पॉटरी वर्कशॉप में, तो यहाँ पर हमको दिखाया जाएगा मिट्टी का चीज़ ये लोग कैसे बनाते हैं। सो दिस इज़ कप्पाडोकिया सिरामिक।
या पॉटरी वर्कशॉप। And on the left of the penguin, not the first group, but the second smaller group, looks like a hand, like this, just straight there. Yes, yes. Or the same group looks like a group of sea lions, seals. तो मैं हूँ डेवरन वैली में और मेरे पीछे है फेमस ऊंट वाला स्ट्रक्चर जो बिल्कुल नेचुरल है. इसको किसी ने नहीं बनाया, ये नेचुरली क्रिएट हुआ है. तो ये ऊंट वाला स्ट्रक्चर के लिए इस वैली को कैमल वैली भी बोला जाता है. और खाली यही स्ट्रक्चर नहीं, इस वैली में बहुत सारा ऐसा और भी स्ट्रक्चर्स है जो कि ऑटोमेटिकली बना हुआ है. तो इसीलिए इस वैली का और एक नाम है इमेजिनेशन वैली. सो आई एम इन डेवरन वैली एंड एन्जॉइंग इट. तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम है पाशाबा. और ये पाशाबा नाम एक्चुअली पड़ा है फेरी चिमनीज़ के लिए. तो यहाँ पर कुछ मशरूम से फेरी चिमनीज़ है. तो मेरे पीछे बहुत सारे मशरूम जैसा मशरूम शेप फेरी चिमनीज़ है. और इनके ये इस तरह का जो शेप है इसका एक कारण है क्योंकि इनका जो बॉडी है वो बना हुआ है वॉल्केनिक ऐश से. और इनका जो सर है जो मशरूम जैसा दिखता है वो बना हुआ है लाइमस्टोन से. तो लाइमस्टोन इज़ हेवियर देन वॉल्केनिक ऐश. सो ऊपर से हमेशा इसका ऊपर एक प्रेशर रहता है जिसके वजह से क्या होता है कि इसके जो गर्दन है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है और इस तरह का शेप आ जाता है आखिर में. तो दिस इज़ द कॉज दिस ऑल फेरी चिमनीज आर मशरूम शेप. तो मैंने कप्पाडोकिया में आके सारे टूर कर लिए. दो तरह का टूर होता है यहाँ पर, एक ग्रीन टूर और एक रेड टूर. तो मैं कल ग्रीन टूर में गया था और आज रेड टूर अभी ख़त्म कर रहा हूँ. तो ग्रीन टूर जो है वो उसमें बहुत सारे वैरायटीज़ है, जैसे कि वैलीज़ है, कैनियंस है, अंडरग्राउंड सिटी है. और रेड टूर जो है देयर इज़ मोर अबाउट फेरी चिमनीज़ एंड चर्चेस, ऑल अबाउट दैट. सो दोनों ही टूर अच्छा है लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ग्रीन टूर, अगर मेरा ओपिनियन कोई मानेगा. अगर आपको कोई एक टूर चूज़ करना हो तो यू शुड चूज़ ग्रीन टूर. तो मैं आ चुका हूँ नवशहर बस कंपनी के सामने और इसी बस कंपनी के बस मुझे लेके जाएगा यहाँ से पामुक्कले. पामुक्कले मतलब डेनिजली जाएगा, डेनिजली बस स्टेशन है. वहाँ से मुझे मेरा जो टूर एजेंट है वो पिक करेगा और फिर मुझे ले जाएगा पामुक्कले दिखाने के लिए. और मैंने अभी अपना सामान है इधर रख दिया है क्योंकि अभी 7:10 बाकी है और मेरा बस है 8 के लिए. तो अभी मैं एक घंटा थोड़ा सा घूम लेता हूँ, कुछ खाना पीना खा लेता हूँ और फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ पर अपना सामान लेके बस में चढ़ जाऊँगा.
इससे पहले दो दिन मैं एक रेस्टोरेंट पे खाना खाया था, वन वे रेस्टोरेंट उस रेस्टोरेंट का नाम था। तो आज कोई दूसरा रेस्टोरेंट में खाना खा के ट्राई करके देखता हूँ। तो मेरे सामने एक रेस्टोरेंट है, देख के अच्छा लग रहा है, काले टेरा से रेस्टोरेंट। तो वहीं पर जाते हैं और कुछ खाना खा लेते हैं, क्योंकि सारा रात अभी बस में मुझे बिताना है और सुबह बिल्कुल 5-6 बजे पहुँचेगा डेनिज़ली। हेलो, थैंक यू। मे आई सिट हियर? वन पर्सन। यू कैन सिट एंड हियर अनदर। दिस इज गुड। ओके, आई एम सिटिंग हियर। सो मैंने ऑर्डर दे दिया है, और मैंने ऑर्डर दिया है चुकेतमी तबुक। आपको नाम सुन के लग रहा है क्या मैंने खाने के लिए ऑर्डर दिया है। दरअसल ये चिकन है और उसके साथ चिप्स और सलाद और सॉस है, और बस यही है चुकेतमी तबुक। और उसके साथ मैंने एक कोका कोला भी ऑर्डर दिया है। तो मैं आज खाने वाला हूँ चुकेतमी तबुक एंड कोका कोला। सो ये मेरा खाना आ चुका है। तो मैंने जैसे बताया था आपको, ये चिकन है और उसके साथ चिप्स है और सलाद है, और इसमें राइस भी दिया हुआ है। तो ये देखिए खाना। तो अभी मैं आ चुका हूँ बस कंपनी में फिर से, और थोड़ी देर में मेरा बस आने वाला है। तो मैं लगेज वगैरह लेके बिल्कुल रेडी हूँ, और अभी एक बस आया है, ये इस्तांबुल जाएगा। तो जैसे मैं फ़्लाइट से आया था तो बस से भी जा सकते हैं। तो ये इस्तांबुल का बस आया है, अभी थोड़ी देर में डेनिज़ली का बस भी आएगा। मुझे लगता है मेरा बस आ चुका है, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अपना सामान दे दिया है, अभी अभी बस में उठ जाते हैं। फमुकले। तो मेरा सीट नंबर 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर सीट है मेरा। सो आई डोंट नो व्हाट इज 4 नंबर सीट, कुछ लिखा तो नहीं हुआ है। ऐसे बस में कुछ नंबर तो लिखा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि यही 4 नंबर होगा, क्योंकि दिन के वही आता है 1, 2, 3, 4। अगर उस तरफ से एक हुआ तो, अगर इस तरफ से एक हुआ तो वो मेरा सीट होगा। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं, उसके बाद ड्राइवर जब आएगा तो पूछ लेंगे एक बार।